साथियों, ये बड़े हर्ष का विषय है कि 1.5 साल की विभीषिका के बाद आज वो पहला दिन ऐसा आया है जब हम कह सकते हैं कि रतलाम जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त है। आज की तारीख में पूरे रतलाम जिले में कोई भी एक्टिव पेशेंट नहीं है, परंतु इसका आशय यह नहीं है कि भविष्य में पेशेंट नहीं निकलेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना का जो वायरस है वो कभी भी कहीं भी संक्रमण फैलता है। आप सब जानते हैं कि इसका एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन कराना। रतलाम शहर ने वैक्सीनेशन में बहुत अच्छी पहल करी और आज लगभग 85% से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन रतलाम शहर में हो चुका है और पूरे ज़िले में भी हमें जितना वैक्सीन मिला है हमने 100% उपयोग किया है। 50% से ज़्यादा लोगों का फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है। हमारे सामने जो दूसरा चैलेंज ये है कि अभी 36,000 लोग ऐसे हैं जिनका सेकेंड डोज ड्यू है और लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आमतौर पे सेकेंड डोज के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, आप सेकेंड डोज जिनका ड्यू है, आपके मोबाइल में मैसेज आता है या आपकी जानकारी में भी होगा, तत्काल सेकेंड डोज लगवाएं। अगर आपके आसपास कोई वैक्सीन सेंटर नहीं है तो आप अपने हेल्थ के अमले से संपर्क करें, वहां पर सेकेंड डोज के लिए वैक्सीनेशन का सेंटर बनेगा। अभी हमारी प्राथमिकता यह है कि इन 36,000 लोगों को हम वैक्सीन की सेकेंड डोज लगवा दें। इसके लिए रतलाम शहर में कल दिनांक 5 अगस्त को सिर्फ वैक्सीन का सेकेंड डोज ही लगाया जाएगा और भविष्य में भी, क्योंकि रतलाम शहर में ऑलमोस्ट काम हो चुका है, तो स्लॉट बुकिंग के अलावा सिर्फ सेकेंड डोज ही लगाया जाएगा। और अगर जो शेष बचे लोग हैं 10-15%, अगर कहीं ऐसी डिमांड आती है तो फर्स्ट डोज की बात करी जाएगी। आप सबसे पुनः अनुरोध है कि हमें अगर आज जिस सुखद स्थिति में हम हैं, जब रतलाम में एक भी एक्टिव कोरोना पेशेंट नहीं है, इस चीज को बरकरार रखना है तो हमें दोनों डोज 100% लगवाने होंगे और आपको ये इनिशिएटिव लेना होगा। आप अपने परिवार के सदस्यों का, अपने दोस्तों का, अपने जान पहचान के लोगों का, रिश्तेदारों का, सबको प्रेरित करें कि वैक्सीन के दोनों डोज लगवाएं। धन्यवाद।